से टोटो से मज़े मज़े के आप खाने बना कर देती हैं, इतने मज़े मज़े के खुशबूदार, दिल तो चाह रहा था आपसे बहुत मिलने को और आपके हाथ चूमने को कि आपके इतने अच्छे हाथ, आप खाना बनाती हैं। बुक्स लाए हैं ना आप लोग? अरे अरे टोटो, इसको इधर ही रहने दो, इधर ही सही है ना, देखो अच्छा लग रहा है, यही पढ़ा रहे। ओके मिस। टोटो आज क्या लेकर आई हो लंच में? कोई अच्छी चीज लग रही है, क्या है? नानो ने नांग कटाई दी है। अच्छा, मैं देखूं जरा। मजे की है भाई ये तो। हाँ टोटो, ये तो बड़ी अच्छी है, खुशबूदार लग रही है। नानो तो तुम्हारी बहुत अच्छी चीजें बनाती है। मिश ये ना मेरे लिए है। हाँ टोटो, मैं रख रही हूँ, अपने पास रख रही हूँ, यहीं से ले लेना तुम। मीजा क्या बनाएंगी? देखो टोटो, पढ़ते तो रोज़ है ना, आज हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं, खाने पीने पे बात कर लेते हैं कि खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं। हाँ टोटो, तुम्हें खाने में क्या पसंद है ये तो बताओ। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अरे तो फिर तुम्हारी नानो ने तो तुम्हें आज नान खटाई दे दी। हाँ तो मिस, आइसक्रीम तो पिघल जाती है ना। हाँ, सही कह रही हो टोटो, वाकई पिघल जाती है। जरा मैं ये तो देखूँ, नान खटाई तो वैसे अच्छी होती है लंच में, देखूँ कैसी है, मज़े की है। जबरदस्त टोटो, ये तो बहुत मजे की है। मिस, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप लंच में क्या लाई हैं? ओ टोटो, आज मैं लंच लाना भूल गई। अच्छा, तो फिर मिस आप क्या खाएंगी? ओ टोटो, तुम इतना कह ही रही हो तो तुम्हें मेरी फिक्र भी हो रही है, तो ऐसा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ नान खटाई शेयर कर लूँगी, ये खा लूँगी। मिस ये तो थोड़े से हैं, मैं क्या खाऊँगी? क्या खाओगी? एक मिनट रुको टोटो, मेरे बैग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, तुम्हें देती हूँ मैं। टोटो के लिए तो कोई ना कोई चीज़। वाओ, इतना मज़े का, ये देखो कितना मज़े का बिस्किट, ठीक है ये लो, ये तुम खाना। ये कितने साल पुराना है। अरे टोटो, ये तो मैंने कल ही ख़रीदा था, देखो ये इतना अच्छा सा है, वो बैग में पड़ा हुआ था ना, तो उसकी वजह से ऐसे हो गया, वरना तो इतना मज़े का है, खाओगी ना तो अपनी नान खटाई भी भूल जाओगी। अरे टोटो, बहुत मज़े की नान खटाई थी, मज़ा आ गया खाकर। क्या हुआ टोटो, तुम बिस्किट खाओ ना। ओके स्टूडेंट्स, क्लास ख़त्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ। नानो कुछ खाने को दे, भूख लगी है। क्या बात है टोटो, तुमको बड़ी भूख लग रही है। नानो लंच नहीं किया। हाँ क्यों, हमने तो तुमको लंच दिया था। वो ना नानो, मेरी मिस खा गई।
लाहौल मिला खुवत। हमने बच्ची को टिफिन दिया और इसकी चटोरी मिस खा गई। चलो हम कल पूछेंगे तुम्हारी चटोरी मिस से। जी आप कौन? हम टोटो की नानो हैं और टोटो को साथ लेकर आए हैं। तुम ये बताओ कल तुम हमारी टोटो का पूरा टिफिन खा गई? अरे नानो आपकी तो मैं बहुत तारीफ सुनती हूँ से टोटो से। मज़े मज़े के आप खाने बना कर देती हैं, इतने मज़े मज़े के खुशबूदार। दिल तो चाह रहा था आपसे बहुत मिलने को और आपके हाथ चूमने को कि आपके इतने अच्छे हाथ, आप खाना बनाती हैं, क्या बात है आपकी। अरे 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 हम अब क्या कहें इस पे। चलो तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, जीती रहो, खुश रहो। और वो बस बच्चों को जरा सी गलत फहमी हो जाती है जी, तो कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, हम अब टोटो को जरा ज्यादा लंच देंगे, तुम दोनों साथ खा लेना, ठीक है? बहुत शुक्रिया नानो आपका, शुक्र जान बच्ची, वरना तो ये प्रिंसिपल के पास चली जाती कंप्लेन करने। चलो नानो को तो पुदीने के झाड़ पर चढ़ा दिया मैंने। कुछ बोली क्या? नहीं नानो, मैं कह रही थी कि आपकी खानों की आपने मुझे इतना अच्छा। नहीं मिस ने तो नानो को भी बेवकूफ बना दिया। नानो को पुदीने की झाड़ पे चढ़ाया और नानो जो है वो मिस की तारीफ में आ गई। अरे टोटो बिटिया, तुम्हारी इतनी अच्छी मिस है, अगर थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे टोटो बिटिया, इसमें इतने गंदे मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा खा लिया तो ऐसा क्या हो गया। शेयरिंग करनी चाहिए और बहुत जरूरी होती है। क्यों भाई मिस, इसको हम प्यार से चटोरी मिस कहते हैं। हाँ भाई चटोरी मिस, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी नानो, मैं यही तो टोटो को समझा रही थी कि शेयरिंग बहुत अच्छी आदत है। लेकिन नानो, मिस ने तो सारा टिफिन खा लिया। बिल्कुल चुप, मैं कल से ज्यादा टिफिन दूंगी, मिल के खा लेना तुम लोग, समझी? थैंक यू नानो, आप बहुत अच्छी हैं। अरे जीती रहो बिटिया, खुश रहो। और मैं नानो? हाँ, और तुम तो मेरी प्यारी टोटो हो। जी नानो, अब जो है मैं टिफिन शेयर करके खाऊंगी, ठीक है? हाँ बेटा, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो मेरी प्यारी नानो।